नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आनंद आज आपके सामने कुछ इंग्लिश वर्ड्स को कैसे मेमोराइज करते हैं, अपना इंग्लिश वोकैबुलरी को थ्रू न्यूमेरिक टेक्निक हम कैसे इन्हेंस करेंगे उसके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश वोकैबुलरी थ्रू न्यूमेरिक टेक्निक। न्यूमेरिक टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी भी वर्ड्स को बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं, हमारे मेमोरी में परमानेंट रिटर्न कर जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 20 वर्ड्स लेके आया हूं। इन 20 वर्ड्स को हम कैसे बहुत आसानी से अपने ब्रेन में रख सकते हैं, इसको मैं आपको इलस्ट्रेट करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वर्ड हमारा है सवरी। सवरी मीन्स होता है टेस्टी। सवरी मीन्स टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है। अब इस वर्ड को हम कैसे एसोसिएट करेंगे अपने ब्रेन में, कैसे याद करेंगे टेस्टी से। तो दोस्तों, सवेरी है, सवेरी वर्ड्स को हम रामायण में सबरी ने भगवान रामचंद्र को जूठे बैर खिलाए थे, तो इसका जो उच्चारण है जस्ट लाइक सबरी, तो सवेरी को हम सबरी के रूप में याद रखेंगे, सबरी के बैर। सबरी के बेर मीठे थे, इस तरीके से इसको हम मेमोराइज कर सकते। सबरी मीन्स टेस्टी। नेक्स्ट है करिश्मा। करिश्मा मीन्स अट्रैक्टिव होता है, बहुत आकर्षक होता है। इस वर्ड को हम कैसे एसोसिएट करेंगे, तो आप सपोज कीजिए बॉलीवुड में एक्ट्रेस है करिश्मा कपूर जो काफी सुंदर है, इस तरह से हम करिश्मा को अट्रैक्टिव वर्ड से एसोसिएट कर सकते हैं और हमें याद हो जाएगा करिश्मा मीन्स अट्रैक्टिव। इस प्रकार से दोस्तों, थर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। अब प्रूडेंट को हम कैसे एसोसिएट करेंगे, सपोज कीजिए प्रूडेंट, प्रूडेंट समझिए कि पूरे, प्रू का मतलब जैसे पूरे, और डेंट स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट सारे विद्यार्थी क्या है, वाइज है। पूरे स्टूडेंट्स, पूरे छात्र वाइज है, बुद्धिमान है। सारे छात्र जो है हमारा बुद्धिमान है, वाइज है, बुद्धिमान। नेक्स्ट है हमारा मॉर्बिड। मॉर्बिड इसका मतलब होता है अनहेल्दी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अनहेल्दी होता है, उसे हम मॉर्बिड कहते हैं। सपोज कीजिए मॉर्बिड को हम अगर अलग अलग करते हैं तो मोर बीडी, ज्यादा बीड़ी पिएंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, इसको हम ज्यादा बीड़ी, ज्यादा बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है ना, ज्यादा बीड़ी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका सलेन। सलेन मीन्स ग्लूमी। सलेन को हम कैसे एसोसिएट करेंगे दोस्तों, तो सलेन को हम ऐसे देखेंगे सूली। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाया गया था तो सब लोग दुखी हो गए थे, इसको हम ऐसे याद करेंगे सूली। क्राइस्ट, क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया था तो बहुत लोग दुखी हो गए थे। एवरी पर्सन बिकेम ग्लूमी व्हेन क्राइस्ट वाज हैंग, सूली पे लटकाया गया तो सारे लोग दुखी हो गए थे। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट का मतलब होता है रिमूव, हटाना, इसको हम कैसे निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके याद करेंगे दोस्तों, इसको हम एक्सटर्पेट को अलग अलग करेंगे एक्स्ट्रा पेट जो हमारा ज्यादा ओबेसिटी की वजह से बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेट।
एक्स्ट्रा पेट को हटाना जरूरी है, तभी तो स्लिम बन पाएंगे। एक्स्ट्रा पेट मतलब हटाना, इसका मतलब होता है हटाना। एक्स्ट्रा पेट मींस रिमूव। अब हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जब भी एक्स्ट्रा पेट याद करेंगे हमारे दिमाग में एक्स्ट्रा पेट आ जाएगा, रिमूव करना। एक्स्ट्रा पेट रिमूव किया जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा पेट का मीनिंग होता है रिमूव। अब है नेक्स्ट आपका सबैटिकल। सबैटिकल मींस होता है लीव या हॉलीडे, लीव या हॉलीडे, छुट्टी। तो सबैटिकल को हम कैसे अलग अलग करेंगे? सबैटिकल इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सब बातें कल, सब बातें कल, सब बातें कल होगी क्योंकि आज छुट्टी है। सब बातें कल होगी क्योंकि आज छुट्टी है, इसका मतलब क्या हुआ? सबैटिकल, सबैटिकल मीन्स होता है लीव, छुट्टी। हमें अब आसानी से याद हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट है वर्ड आपका सोमवार। सोमवार, सोमवार का मीन्स होता है बैड मूड, बैड मूड, दिमाग खराब है। आज सोमवार है, सोमवार मीन्स मतलब सोमवार, ये सोमवार जैसा लग रहा है इसका उच्चारण, सोमवार है इसलिए आज बैड मूड है, क्योंकि सोमवार को, संडे को हम आराम करते हैं, सोमवार से हमारा ऑफिस चालू हो जाता है, और सोमवार से ऑफिस जब भी चालू होगा हम बहुत टेंस हो जाते हैं, सोमवार से लेकर के शनिवार तक हम बहुत टेंस में रहते हैं, बैड मूड रहता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कलोड रहते हैं, इसलिए आज सोमवार है, सोमवार बैड मूड। इस तरह से दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है फसाई। फसाई इसका मतलब होता है इफोर्टलेस, इफोर्टलेस, इफोर्टलेस का मतलब हम किसी भी चीज में इफोर्ट करने लायक नहीं रह जाते हैं, ठीक है, ये होता है फसाई। फसाई को याद कैसे करेंगे? इसका उच्चारण फिसलना जैसे है, फिसलना, फिसलना, तो फिसलना फसाई, फसाई मीन्स इफोर्टलेस। नेक्स्ट है सगासियस। सगासियस, सगासियस मीन्स होता है वाइज। अब इसको हम कैसे अलग अलग करेंगे दोस्तों? तो सगासियस इसको हम देखेंगे, साग, साग वर्ड से सगासियस बना हुआ है, तो साग, साग खाने वाले, साग खाने वाले बुद्धिमान होते हैं, साग खाने वाले वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसलिए सगासियस मींस वाइज। वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द वर्ड सगासियस व्हिच मींस वाइज। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से हमारा सिरियु। सिरियु इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन। सिरियु मींस बैड टेम्पर्ड वुमेन, वह महिला जो काफी बैड मूड की है, बैड टेम्पर्ड की, हमेशा झगड़ा करती रहती है, तो इसको हम सिरियु मतलब इसको कहेंगे फिर से शुरू हो गई, शुरू हो गई, अब फिर से शुरू हो गई, फिर से जो है बहुत सारी बातें करेंगी, बहुत सारा गुस्सा करेगी, तो श्रीयु, श्रीयु मींस बैड टेम्पर्ड वुमेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्व। एब्सोल्व में तो फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, कि कोई भी चीज अगला माफी मांग लेता है कोई भी गलती करने के बाद, तो उसको हम फॉरगिव कर देते हैं। तो एब्सोल्व इसको हम कैसे याद करेंगे? एब्सोल्व मीन्स फॉरगिव कैसे याद करेंगे? तो हम निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एब्सोल्व मतलब अब सब कुछ सोल्व हो गया, अब सब कुछ सोल्व हो गया, अब सब कुछ सोल्व हो गया, तो माफी तो बनती है। अब सब कुछ जब सोल्व हो गया तो माफी तो बनती है, इसलिए अब सोल्व का मतलब होता है फॉरगिव। नेक्स्ट है विविध। विविध का मतलब होता है क्लियर। क्लियर मतलब एकदम साफ, स्पष्ट। विविध को हम ऐसे याद करेंगे विविध भारती, विविध भारती, विविध भारती का जो ये है बहुत साफ है, स्क्रीन बहुत साफ है, हमें देखने में दिक्कत नहीं होती है, तो विविध मतलब क्लियर। नेक्स्ट है डिफंक्ट।
डिफंक्ट का मतलब होता है डेथ, डिफंक्ट मीन्स डेथ, मृत्यु। अब इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, डिफंक्ट, इसको हम डिफंक्ट वर्ड को सुनने में हमको लग रहा है जैसे दफन, दफन। अब दफन जो होता है कब होता है, किसी भी आदमी के मरने के पश्चात उसको दफन किया जाता है, यानी कि दफन, डिफंक, दफन ऐसा है, डिफंक का मतलब डेथ, मृत्यु, मृत्यु होगा तभी दफन होगा, डिफंक स्टैंड फॉर डेथ। नेक्स्ट है एगोनी, एगोनी मीन्स होता है पेन, दर्द, कोई भी जख्म होता है तो बहुत दर्द होता है, कोई चीज से जलते हैं तो बहुत दर्द होता है, यहां पे एगोनी का मतलब है पेन, एगोनी यह अग्नि जैसा है, इसको हम अग्नि, अग्नि से अगर हमारा सपोज कीजिए हाथ जल जाता है, थोड़ा सा भी जल जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है, तो हम एगोनी को अग्नि वर्ड से एसोसिएट करके और निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पेन याद कर सकते हैं, एगोनी मीन्स पेन, क्योंकि अग्नि से दर्द होता है इसलिए एगोनी मीन्स पेन। इसी प्रकार से दोस्तों अगला वर्ड है हमारे सामने में कंपेंडियम, कंपेंडियम स्टैंड फॉर समरी, कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, समरी मतलब सारांश, किसी भी चीज को, बड़े चीजों को छोटा चीज में प्रस्तुत करना, बड़े लेटर्स को छोटा बनाना, तो कंपेंडियम का मतलब होता है समरी। इसको हम कैसे याद करेंगे कंपेंडियम को, कंपेन, अब इसमें कंपेंडियम, कंपेन समरी, कोई भी चीज हम समरी लिखते हैं तो हम बहुत कम पेन का इस्तेमाल करना होता है, थोड़ा ही लिखने से वह समरी हो जाता है, ज्यादा पेन का इस्तेमाल करना नहीं, ज्यादा लिखना पड़ता नहीं है, इसलिए कंपेंडियम को हम कम पेन से इस्तेमाल एसोसिएट करके समरी याद कर सकते हैं, कंपेंडियम स्टैंड फॉर समरी। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्लिम सी, स्लिम सी का मतलब होता है वीक, वीक मतलब कमजोर। अब जो भी स्लिम होगा एकदम दुबला पतला, लीन थीन, आज के फैशन में बहुत सारे लोग जो है स्लिम बनने के चक्कर में अपने वजन को, मसल्स को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा उसके पास माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वीकनेसेस हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। दोस्तों स्लिम, जब भी स्लिम बनेंगे हम तो स्लिम बनने के बाद हमारा जो है वीकनेस होना निश्चित है, इसको हम स्लिम, स्लिम याद करेंगे तो स्लिम सी, स्लिम सी मीन्स वीक। इस प्रकार से अगला वर्ड है डीबीएस, डीबीएस का दोस्तों मीनिंग होता है क्रूक्ड, क्रूक्ड का मतलब होता है घुमावदार, तो डीबीएस को हम कैसे याद करेंगे, डीबीएस को हम याद करेंगे देवी, DEBI देवी, देवी अब कौन सा, तो वैष्णो देवी मान लेते हैं, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का जो रास्ता है बहुत घुमावदार है, बहुत घुमावदार है, इसलिए डीवीएस, डीवीएस को हम याद कर सकते हैं क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब घुमावदार, डीवीएस मतलब घुमावदार। कोई पूछे आपसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीवीएस, तो डीवीएस मतलब घुमावदार याद हो जाएगा, क्योंकि वैष्णो देवी का रास्ता घुमावदार होता है, इसलिए डीवीएस मतलब क्रूक्ड मतलब घुमावदार। नेक्स्ट है वर्ड हमारा कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा, इसका मतलब होता है कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी जैसे भूकंप आ गया प्राकृतिक आपदा है, बादल फट गया प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आ गई प्राकृतिक आपदा है, सब डिजास्टर में आते हैं, तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब डिजास्टर होता है, आपदा होता है, प्राकृतिक आपदा। अब इसको कैसे याद करें कैटेस्ट्रॉफी को, इसको हम अलग अलग करें कैट, कैट और ट्रॉफी, ट्रॉफी का हम याद करेंगे ट्रॉफी, अब कैट, कैट को ट्रॉफी खिलाएंगे तो आपदा आ जाएगा, कैट को ट्रॉफी, ट्रॉफी, कैट को ट्रॉफी अगर देंगे तो प्राकृतिक आपदा आ जाएगा, तो इस तरह से हम कैटेस्ट्रॉफी याद कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास एन, एन का मतलब होता है डिजायर, इच्छा,
अब येन जो है ये तो हम जानते हैं जापान का जो करेंसी होता है, जापान करेंसी जो मुद्रा है उसे हम येन बोलते हैं, येन, जापानी येन, इसको बोलते हैं जापानी येन। तो हम जापानी येन करेंसी को याद करेंगे तो इसका मतलब हमको डिजायर इच्छा आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आज मैंने आपसे इन सब वर्ड्स के बारे में, 20 वर्ड्स के बारे में बताया कि 20 वर्ड्स को हम कैसे इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे इनहांस करेंगे, इन वर्ड्स को हम कैसे निमोनिक टेक्निक, ये जो हमारा निमोनिक टेक्निक है, इन निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके है ना हम कैसे 20 वर्ड्स को बहुत इजी वे में मेमोराइज कर सकते हैं। ये हम स्पेशली आज हिंदी निमोनिक का इस्तेमाल करके बताया है कि वो भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी निमोनिक का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने मेमोरी में लॉन्ग टर्म याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे एक बार हमको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस किस्म के वीडियोज हम आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत